हम कर सकते। तो ये वीडियो मैं चाहता हूँ कि स्टूडेंट यूनियन तक पहुँचे। इस वक्त हम लोग खड़े हैं गोदावरी बस स्टैंड पे और लाइट बंद है और देखिए नाइट कल्चर खत्म करने की पूरी साजिश की जा रही है। मेरे साथ केवल अजय और साहिल खड़े हुए हैं कैमरे में। कोई तो इस वक्त इतने अंधेरे में निकलने में क्यों से फील करेगा, और उसके अलावा लो विजन भी एक डिसेबल के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि लो विजन को बहुत दिक्कत होती है देखने में और चीजों को आइडेंटिफाई करने में। आगे तक गंगा ढाबा तक लग रहा है सारी लाइटें बंद है, ऐसा लग रहा है। और स्टूडेंट यूनियन जो कि काम करने का दावा करता है। अच्छा, स्टूडेंट यूनियन काम करता है क्या? हाँ, मतलब ऐसे में वो दावा करते हैं तो पता नहीं था मेरे को। हमको लगता है कि स्टूडेंट यूनियन तक हम वीडियो पहुंचाने में सफल होंगे या नहीं, ये एक बहुत बड़ी बात होगी। बाकी हम इस वीडियो को जरूर पोस्ट करेंगे अपने सोशल मीडिया पे, ताकि कम से कम मिनिस्ट्री के लोग ही सुन लें स्टूडेंट यूनियन। और ये भी अभी जहाँ तक कि जीने तो सेफ मान जाता है, और यहाँ पे अब कोई लड़की कैसे जाएगी इस अंधेरे में, लिटरली वहां तक पूरा अंधेरा है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई क्या पता कर लेगा यहाँ पे अगर किसी का कुछ छेड़ देता है। हाँ, अगर कुछ भी हो जाता है, कोई भी ऐसी घटना होती है, क्या हो जाएगा? मतलब इस पे JNU कम्युनिटी को बहुत सोचने की जरूरत है। और JNU जाना जाता है अपने प्रोटेस्ट के लिए, आवाज उठाने के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए, और मोस्टली अपने सेफ्टी के लिए। तो हमने जब JNU में एडमिशन लिया था तो ये सोच के लिया था कि JNU बहुत सुरक्षित है। तो अब देखिए आप कितना सुरक्षित है। आप नए बच्चे आ रहे हैं तो आप नए बच्चों को क्या मैसेज दे रहे हैं, ये JNU SU और JNU कम्युनिटी हमें भी बताएं और पूरे समाज को भी बताएं।